शहजादी का नाम जहन में आते ही कुछ ऐसी नौजवान खवातीन का खाका जहन में आता है जिन्होंने जर्क बर्क लिबास पहने हों, जो तख्त पर बैठी हों और कनीज़े मोर पंख लेकर उनको झल रही हों। लेकिन जिस तरह बादशाहों के तख्तो ताज का नज़रिया तब्दील हो चुका है, वैसे ही दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अब शहजादियाँ तो मौजूद हैं लेकिन वो हुक्म चलाने की बजाय आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देती हैं। ऐसी कुछ शहजादियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नंबर 5, बेल्जियम की शहजादी एलिजाबेथ। शहजादी एलिजाबेथ जो कि सिर्फ 19 साल की हैं, इस वक्त बेल्जियम के शाही तख्त पर विराजमान है और ये बेल्जियम के कानून में तब्दीली के सबब भी मुमकिन हो सका है, क्योंकि इससे कबल बेल्जियम के कानून में किसी खातून के तख्त नशी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाल ही दिनों में वो आर्मी की सख्त तरीन ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं ताकि वो बाकायदा तौर पर बेल्जियम की बादशाहत संभाल सकें। नंबर 4, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज शहजादी कैथरीन। बरतानिया के शहजादे प्रिंस विलियम की बीवी शहजादी कैथरीन एलिजाबेथ मिडल्टन को दुनिया कैट मिडल्टन के नाम से जानती है और जितनी बाहर से खूबसूरत हैं उनका दिल उन्हीं की तरह खूबसूरत है। इसी वजह से उन्होंने जहनी अमरीज के शिकार अफराद की बहबूद के लिए काम करने का बीड़ा उठाया। इस काम में उनके साथ उनके शोहर शहजादा विलियम देओर, शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेगन मार्कल भी शामिल हैं। नंबर 3, वर्मलैंड की शहजादी सूफिया। शहजादी सूफिया की शादी चार्ल्स फिलिप से हुई जो कि ड्यूक ऑफ वर्मलैंड है। दुनिया की तमाम शहजादियों में शहजादी सूफिया इस वजह से मुनफरिद शोहरत की हामिल हैं क्योंकि वो शादी से कबल एक रेस्टोरेंट में बतौर वेटरेस काम किया करती थी। इसके अलावा रियलिटी शो में बतौर मॉडल भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो न्यूयॉर्क में एक योगा सेंटर भी चलाती हैं। इसके अलावा अफ्रीका के गरीब लोगों की मदद के लिए वो कई बार अफ्रीका जा चुकी हैं और वहाँ के अस्पतालों में बतौर रजाकार गरीब मरीजों की मदद के लिए काम कर चुकी हैं। नंबर 2, नॉर्वे की शहजादी मार्था लुइस। शहजादी मार्था लुइस नॉर्वे के बादशाह किंग हेराल्ड पंजम और मलका सोंजा की सबसे बड़ी बेटी हैं। तख्त के जानशीनों में इनका नंबर अपने भाइयों के बाद चौथा है। इन्होंने नीदरलैंड से फिजियोथेरेपी की अपनी तालीम ख़त्म की है लेकिन इस शोबे में अमली तौर पर प्रैक्टिस करने की बजाय उन्होंने अदब के शोबे में काम करने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ तहरीर की हैं। इसके साथ साथ इन्होंने टेलीविज़न पर भी उन कहानियों की वीडियोज़ बनाई हैं। शाही जिम्मेदारियों के साथ साथ इन्होंने एक मुसन्नफ ही से शादी की है जिससे इनकी 3 बेटियाँ भी हैं। नंबर 1, बरतानिया की शहजादी एनी एलिजाबेथ। शहजादी एनी एलिजाबेथ एलिस लुइस मौजूदा मलका एलिजाबेथ दोयम की अकलौती बेटी हैं जिनका तख्त पर जानशीनी के हवाले से 14वां नंबर है। वो एक बेहतरीन घुड़सवार हैं, यहाँ तक कि 1970 में होने वाले मॉन्ट्रियल ओलंपिक में अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। इन्होंने चैरिटी के कामों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रखा है और कई NGOs की रूहें रवां भी हैं। अमीरा अल्तावील ऑफ सऊदी अरेबिया। शहजादी अमीरा अल्तावील का ताल्लुक सऊदी अरेबिया से है। ये सऊदी अरब में मुस्लिम खवातीन की फलाह बहबूद के लिए बहुत ही ज़्यादा सरगर्म है। ये बहुत ही ज़्यादा नरम दिल और आज़ाद ख्याल शहजादी हैं। इनको ये भी एजाज़ हासिल रहा है कि ये पहली ऐसी सऊदी खातून है जो सबसे पहले सऊदी रोड्स पर ड्राइव करना चाहती थी। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन कर रखी है। ये वलीद बिन तलाल फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन है। ये मिडल ईस्ट की सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल खातून होने के साथ साथ सऊदी अरेबिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर खातून भी कहलाती हैं। इन्हें कई बार वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है। काबिल और सरगर्म होने के साथ साथ अमीरा अल्तावील सऊदी नैनक्श वाली खूबसूरत तरीन खातून हैं और ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में अपना अलग मकाम रखती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमती वीडियोज लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के वास्ते।